तो आप लोग कमेंट करके बताना भी मैं कुकिंग डाला करूँ अपनी, जैसे कुछ भी सब्जी बनाती हूँ या कुछ स्पेशल सब्जी होगी जैसे पनीर वगैरह की रेसिपी या कुछ भी। जी आज आए हुए हैं मेरी ननंद के बालक बच्चे, सॉरी बालक, ये है पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा ना इनको दोनों भाइयों का। चलो उसकी तो मजबूरी है, बढ़ेगी, तेरी क्या मजबूरी है बताइयो, बता अब। चाह नहीं पानी नहीं कुछ भी खा तो ली कड़ी चोर। हेलो कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया। फुल कहा ठीक, ना ना ठीक कर दे, आदर दिन होने गए इसमें तो। सबको है ना, पूरी पूरी गैंग को सबको मिल गया। दोबारा से बोलियो वही लाइन बोलियो। तो चलाएगा पटाखे दोबारा से, हैं नामी का तो चलाएगी है ना। अभी तो सूरज बुआ का बाकी है, इंटरव्यू लेंगे सूरज का भी, पूछेंगे आपकी क्या राय है बताइए इस बारे में। हाँ ये दे दो, गिफ्ट कर दो। गिफ्ट कर दो, गिफ्ट ले ले बेटे, ले ले इसको, ये दिव्या इसको दो। आगे से उल्टे काम नहीं करने, कैसे करूँ आर्थिक खारिश। अब तो हंसी आ रही है, रात तो नहीं आ रही थी ना हंसी भाई, बच गए बस, बच गए बस, है ना, बच ही गए नामिका। मम्मी जी आप इतने समझदार हो, आप इनको डांट नहीं सकते थे क्या, हैं दोनों की सलाह थी, किन दोनों की, थप्पड़ मारने थे तभी और मेरे को बताना था, हैं मम्मी जी, मम्मी जी हो आप, मम्मी जी को इतना हक है ना, दो पटाखे मार, हाँ इनने ना वो जो एग्जाम के दिन वो हो गया था ना, क्या बोलते चुच्ची में अंशु ने, हैं ये यही बात है कि ऑन कैमरा बोल, गंदा बच्चा। गाइस पता क्या हुआ, हमारे ना इस पास वाला जो घर है इनके घर में सांप घुस गया भाई, मैंने वहां से देखा दीवार से आ रहा था, बस मैंने व्लॉग लेट शुरू किया, यहाँ गेट है ना इसके अंदर घुस रखा है, निकल ही नहीं रहा, और उधर से आदमी भी कोई था भी आया ये भैया, सॉरी लेडीज खड़े चलो है, देख दी रही हमारी दीवार पर चढ़ना चाहिए, चढ़ जाएगा तो देख दी नहीं, फिर देख दी नहीं, उड़ी खड़ी रहो। बस पांच मिनट में काम करो, स्पेशली अंश को देखने के लिए आई हैं इनकी बड़ी दादी बुआ और दादी लगते हैं गांव में से वो, तो खाना वाना है जो अंश नीचे लेके चला गया था, कढ़ी चावल मैंने बनाए थे, रोटी भी बनाई थी, तो नीचे खाना पीना खा लिया था, तो बस जस्ट देखने के लिए ऊपर आए थे, तो इसलिए चाय भी नहीं पी, नहीं तो मैं चाय बनाती और आप लोगों को भी दिखाती, पर नीचे थे ना सारे के सारे, तो नीचे खाना खुना खा लिया था मैंने, बना के भेज दिया था, बस अभी जस्ट थोड़ी बातचीत करेंगे और थोड़ा टाइम ही रुकेंगे मेरे पास, क्योंकि फिर इनको जाना भी है गाँव में वापिस, इसलिए जी आज आए हुए हैं मेरी ननंद के बालक बच्चे, सॉरी बालक, ये है अंशु, ये है अंशिका, वो फिर अंशु, तो अंशु को देखने के लिए आए थे भाई, चोट सी लगी थी ना इसको, और इधर देख रहे हैं व्लॉग पता नहीं किसका, और खाना खा रहे हैं छोले चावल। हाँ बेटा अच्छा खिला रहे सबको, सारे खा लो, हेलो गाइस तो कर दो, ऐसे बोलो मेरी मामी के चैनल को लाइक फॉलो कमेंट सब्सक्राइब करो, कर दो आप ही बोल दो, बोलो बोलो बोलो, इसको तो क्या ही बोलूं, बस क्या ही बोलूं मैं इसको, बोल दे
क्या कर लियो अब रात को 10 बजे आप? तो जिसकी बुआ आ गई थी, ताई आ गई थी अंश को देखने के लिए, तो फिर मुझे टाइम लग गया भाई, आज लेट हो गया खाना पीना हमारा। तो आज मैं बना रही हूँ जी सोया चाप, जैसा कि मैंने कट करके रख लिए हैं पीस, देख लो आप लोग। और ये चीकू इधर कर रहा है मसाले ग्राइंड, ये प्याज मसाला रख लिया, दिखाइए। देखो अभी आवाज नहीं आ रही है। ओ भाई निकाल, एकदम पानी करता और ये क्या कर दिया आपने? तो अभी तड़का लगाएंगे हम, सबसे पहले इनको करेंगे फ्राई। अगर जिस किसी को बनानी आती है तो वही कमेंट करके बताना आप किस तरीके से बनाते हो। तो मेरा तरीका यही है और बहुत टेस्टी बनती है खाने में। तो जस्ट मैंने ये पहला रखा था, मतलब कि डाला था इसके अंदर ट्राई करने के लिए कि तेल गर्म हो गया या नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल लेंगे। तो मेरा कभी कभी ना मन करता है, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी मैं कुकिंग ब्लॉग्स भी बनाया करूँ, कुकिंग सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के। तो आप लोग कमेंट करके बताना भी मैं कुकिंग डाला करूँ अपनी, जैसे कुछ भी सब्जी बनाती हूँ या कुछ स्पेशल सब्जी होगी, जैसे पनीर वगैरह की रेसिपी या कुछ भी। अगर आप लोग कमेंट करोगे बताओगे तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो ये देखो जी, ये इधर मैं कर रही हूँ फ्राई, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं सबको। वाह बेटे वाह, मैं बेटा हेल्प करवा रहा अभी आज मेरी। ये क्या कूट रहे हो बेटा? धनिया। ये दिखाइए इधर। तो इधर हम कूट रहे हैं अभी साबुत धनिया। ले ले थोड़ा सा गर्म है, क्यों थोड़ा सा घी तो खा ले, खांदा नहीं घी नहीं खांदा भाई, देखो ये थोड़ा सा तो था है, देखिए देसी घी है प्योर देसी, तेरे वास्ते बनाया देख सारा खाना था, ये खांदा ही नहीं क्या कुछ है। और क्या खाना है बताओ, फ्रूट में क्या खाना है? कल मैंने पूछा मैं क्या खाएगा, तो क्या मंगवाऊं तेरे कर पिज्जा, अभी भी पिज्जा भाव है इसने देख लो, कोई एप्पल एप्पल नहीं खाता बिल्कुल भी, उल्टी लगती है इसको एप्पल से, है ना उल्टी आती है। तो एक तरफ है ये लॉरेंस का खाना खा देते हैं, रोटी तोड़ तोड़ के देनी पड़ रही है। टिल्लू ताजपुरिया, संदीप ढिल्लू और कौशल चौधरी, इनमें से बंदी है और टिल्लू मारे जा चुके हैं। नीरज दिखा रहे हैं खाना। हाँ जी कैसे हो आप, बहुत टाइम के बाद व्लॉग में आए हो। खाना खा रहे, खाना कैसी बनी सब्जी, सब्जी कैसी बनी? तो जी बनाई थी मैंने रात को सब्जी सोया चाप की, तो रात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इसलिए पूरी रेसिपी तो मैं दिखा ही नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट कभी बना के दिखाऊंगी आप लोग। खा लो आप सब्जी, सोया चाप की सब्जी और साथ पराठे जी। महारथी ये अपने बड़े भाई के बगैर ना ट्यूशन पे जा रहा है और स्कूल भी नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से भेजते हैं हम इसको। हाँ रोया नहीं था उस दिन, पहले दिन कितना रोया था, बड़ी मुश्किल से भेजा था। कल भी नहीं गया बेटे, कल क्यों नहीं गया था छठ। तो गाइस पता क्या हुआ, कल क्या हुआ था, क्यों नहीं गया था स्कूल ये बता, क्यों मारी थी फिर, क्या रीजन था ना ट्यूशन जाते हो आप, पढ़ाई का इतना लॉस हो रहा ना इनको दोनों भाइयों का। चलो उसकी तो मजबूरी है बढ़ेगी, तेरी क्या मजबूरी है बताइयो, बता अब आज ट्यूशन जाएगा ना बेटे, ना जाइए फिर ट्यूशन आज, देखियो फिर तू। ये खा रहा है जी देखो चाय के साथ रोटी, और आज मैं पूरे दिन व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को डेली का जो रूटीन है वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। अब ये स्कूल जा रहा है, किस टाइम स्कूल से आए और किस टाइम में ट्यूशन पे जाएगा सब दिखाऊंगी आज आप लोगों को, जाएगा कि नहीं जाएगा तो बताना आप लोग भी, इसकी बात सही है कि गलत है, इसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बेटा जी आप कहाँ जाओगे आज, जाना है रीड रीड करने का कर लियो बेटा, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको भेजेंगे हम ट्यूशन पे, क्योंकि मैडम ने उन्हें बोला है भी रीड रीड का कर लेगा, लिखने का मैं ही करवाऊंगी इसका अब काम। आज बैग ऊपर ले आई हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने चीकू का टिफिन पैक, अभी ये जा रहा है स्कूल में, बाय बाय तो कर दो ना, आपने सबको गुड मॉर्निंग बोली ना, बाय बोली, कैसे बच्चे हो आप,
मन नहीं करता भाई के बगैर स्कूल जाने का है? मन नहीं करता क्या? बैग कहाँ है? हाँ देखू थी मैं, बैग कहाँ है? तो गाइस इसका बैग यही रखा है और ये नीचे ऐसे जा रहा था टिफिन लेके, देखो हाँ कहाँ है बैग? काम किया था, यही रख दिया होगा। तो चलो ठीक है फिर, बाय बाय बाय। मैम को बोल दिया मंडे से आएगा भाई स्कूल, ठीक है अगर पूछे तो। बाय। मेरी बहन आई, इसकी 8:30 का टाइम होगा, ना ठंड होने लगी भाई। देखो मैंने भी स्वेटर पहन रखी है, हमारे होने लगी है ठंडी। तो दिवाली वाले दिन मैंने फर्स्ट बस स्वेटर डाली थी और उसी दिन मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे गर्म। अभी भी निकाल दिया मैंने, अपनी निकाल लिया। तो अभी मैं पहले खाना वाना बनाऊंगी, बच्चों को दूंगी, बच्चों ने तो खा ही लिया, बच्चों के पापा को देना। बस अभी थोड़ा सा काम वाम ऐसे कुछ पड़ा है, इसको करूंगी और फिर मिलेंगे बाद में। बाय बाय। तो जी फाइनली काम मेरा जो ख़त्म हो चुका था, अभी बारी आ गई थी अंश के फेस पे नारियल का तेल लगाने की। और ये वाली एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी मैंने, क्योंकि सब पूछ रहे थे अभी तबीयत कैसी है और कितनी चोट वगैरह लगी है, तो सबको दिखाने के लिए मैंने जस्ट ये वीडियो डाली थी। तो भाई बहुत ठीक है, आप लोग की दुआ प्रेयर की वजह से, भगवान जी कृपा से बहुत अच्छे से है मेरा बेटा और बहुत सुधार है अब इसकी तबीयत में भी। और बस मैं इसको नारियल का तेल लगा रही हूँ और थोड़ी सी जो ट्यूब वगैरह डॉक्टर ने दे रखी है वो लगा रही हूँ, क्योंकि ना नारियल के तेल से बोलते हैं कि निशान जल्दी चले जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी लगानी तो है। और हाथ पे भी मैं ट्यूब लगा देती हूँ, लेकिन अब जलन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी बस जस्ट थोड़े से निशान है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोग की दुआओं करो, प्रेरित